आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट के इन प्रेशर कुकर, और साथ ही मैं बताऊंगी बहुत ही आसान से टिप्स जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ मैं बनाती हूँ आपके लिए समथिंग डिफरेंट, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए एगलेस चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा प्लस 1/2 कप मैदा, ये टोटल 170 ग्राम मैदा है। और साथ ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है, ये 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी है और ये टोटल 200 ग्राम चीनी है। और साथ ही हमें चाहिए 1/2 कप दही, ये 120 ग्राम दही है, और 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, ये लगभग 7 ml रिफाइंड ऑयल है, और 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, 1/2 tablespoon बेकिंग सोडा, 1 tablespoon इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 3 चम्मच कोका पाउडर, 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर और 1 चुटकी भर नमक लेंगे, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर और 1 चम्मच वनीला एसेंस का यूज करेंगे, और लास्ट में हमें चाहिए 1/2 कप मिल्क, ये थोड़ा सा गर्म मिल्क मैंने लिया है। फ्रेंड्स, केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 बाउल बटर क्रीम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, और इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और साथ ही इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1/2 बाउल मैंने यहाँ पर चॉकलेट ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले जो हमने मिल्क लिया है उसमें मैं अपना कॉफी पाउडर डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं, और इसको ठंडा होने के लिए मैं एक तरफ रख देती हूँ, और तब तक हम अपनी मैदा को स्टेन करके रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने खाली प्लेट ली है, तो हम अपनी मैदा को स्टेन कर लेते हैं। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा, नमक, कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर सब डाल के मिक्स कर लेते हैं, और बाकी जो मैदा रह गई थी उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप एगलेस केक बनाएं तो मैदा को हमें 3 बार स्टेन करना चाहिए। तो मैंने पहली बार कर लिया है, अब मैं 2 बार और कर लेती हूँ उसे। और लास्ट बार मैं स्टेन और कर लेती हूँ उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी मैदा को स्टेन करके रेडी कर लिया है, और अब हम बाकी चीजें भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक मैंने खाली बर्तन लिया है, उसमें हम अपनी चीनी डाल देते हैं और दही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेते हैं हम, और इनको तब तक फेंटना है जब तक कि आपस में ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपस में मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें अपना ऑयल डाल दूंगी। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 1 tablespoon वनीला एसेंस, 1 white vinegar मिक्स कर लेते हैं, और कॉफी वाला मिल्क जो कि हमने पहले रेडी करने के लिए रख दिया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो हमारा ये मिक्सर भी रेडी है, और हमने अपनी मैदा को भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ओवन में केक बनाते हैं तो पहले हम उसको प्रीहीट करते हैं, पर आज केक मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं उसको भी पहले प्रीहीट होने रख देती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, कुकर को प्रीहीट करने के लिए मैंने खाली कुकर में इसकी तली पर देखिए ये नमक फैला दिया है, ताकि जो हमारा कुकर का टेम्परेचर हो वो मेंटेन हो सके, और मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ। और हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, और इसके ढक्कन में से ये सीटी निकाल देंगे।
और ये प्लास्टिक भी हम निकाल देते हैं, इसे भी निकाल देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। अब कुकर को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा कुकर भी प्री हीट होकर रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम बाकी अपने बैटर को रेडी कर लेते हैं। एक स्पैचुला की मदद से हमें सारे बैटर को मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड से, और हम अपने सारे मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना पड़ जाए और ये बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाए। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको मिक्स करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके अपना मिक्सचर इसमें डालते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बैटर एकदम रेडी हो गया है और अब मैं अपने केक टिन को भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने एक एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है जिसमें मैं केक को बेक करूंगी। तो उसके लिए मैंने पहले ही इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था। आप बटर का भी यूज कर सकती हैं और इसको चारों तरफ फैला देना है। और चॉकलेट केक बना रही है इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच कोका पाउडर डाल देती हूँ। इसमें आप मैदा का यूज ना करें क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो हमारा केक का टिन एकदम रेडी है। अब मैं इसमें अपना बैटर डाल देती हूँ। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने बर्तन को पूरा फिल नहीं करना है, हाफ फिल करिए वरना ये निकल के बाहर आ जाएगा फूल के। तो फ्रेंड्स अब इसको 1 से 2 बार टैप भी कर देंगे अच्छे से ताकि एयर बबल्स भी निकल जाए। और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने एक केक के बर्तन को कुकर में रख दिया है और अब मैं अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ। इसको हम 45 से 50 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद मैं चेक करूंगी। तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा केक बनके रेडी होता है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जब भी आप एगलेस केक बनाएं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपनी मैदा को 3 बार स्टेन जरूर करें, इससे आपका केक बहुत ही फ्लफी बनेगा। और सेकंड जब भी आप अपने बैटर को फाइनली मिक्स करेंगी तो बहुत ही स्मूथली मिक्स करना है और कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करेंगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर आप जल्दबाजी से उसे मिक्स करेंगी तो आपका केक बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपका केक 100% फ्लफी बनेगा। तो फ्रेंड्स 45 मिनट हो गए हैं और अब मैं अपने केक को चेक कर लेती हूँ। चेक करने के लिए आप एक नाइफ लेंगी और सेंटर पे हम डाल के देखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन आई है और साइड से भी डाल के देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के बाद मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं और अब मेरा केक भी ठंडा हो गया है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ और अब मैं इसको डेकोरेट करके रेडी कर लेती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसे मैं सबसे पहले कट करके अलग कर देती हूँ। आपको बहुत ही आराम से काटना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ऊपर के पोर्शन को काट के अलग कर दिया है और एक खाली प्लेट लेंगे, इसको मैंने उल्टा कर लिया है। इसके ऊपर इस तरीके का स्टैंड आप रख लीजिए और इसके ऊपर मैं अपना केक रख लेती हूँ ताकि हम इजीली इसके ऊपर बटर क्रीम लगा सके। अब मैं इसके ऊपर बटर क्रीम लगाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स ये केक रेडी हो गया है, अब मैं इसको उठा लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरा बैटर थोड़ा बच गया था तो एक मैंने ये छोटा सा केक भी बना के रेडी कर लिया है
और इसको डेकोरेट भी कर दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों केक एकदम बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं इस पे ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं इन पे थोड़े से जेम्स लगा देती हूँ ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, मेरा चॉकलेट केक एकदम रेडी हो गया है और अब मैं इसको एक दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा चॉकलेट केक एकदम रेडी है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, मेरा एगलेस चॉकलेट केक एकदम रेडी है और मेरी इस रेसिपी को आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो